नमस्कार, मैं हूँ रिधि डोगरा और आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया न्यूज चैनल। जिले में कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है, वहीं जगदलपुर ओडिशा बॉर्डर में कुछ लोग जिसमें ग्वालियर और राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि जिस कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने अन्य सुविधाओं देने में हाथ खड़ा कर लिया है, जिसके कारण यहाँ आकर फंस गए हैं। सारी कहानी पीड़ितों की जुबानी। ग्वालियर के सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि 7 लोग जिसमें वीरेंद्र, बंटी, अजय, विजय, अरुण, हरदीप सभी 2 माह पहले विजयनगरम के पिंडुरती स्टेशन में स्लीपर बनाने के लिए आए हुए थे। अचानक लॉकडाउन हो जाने के बाद जिस कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने भी राशन देने से मना कर दिया है, जिससे काफी परेशानी में फंस गए हैं। जगदलपुर से बास की ठाकुर की। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजू लाल है जी। और क्या काम करते हैं, कहाँ फंसे हुए थे और कहाँ जा रहे हैं, पूरा बताएं। हम आयुषेल का लाइन था, पारादीप से हैदराबाद है, उसमें काम कर रहे थे सर। हमारी गाड़ी सब रिलीज कर दिया है, अब कंपनी वाले बोल रहे तुम जाओ गाँव। अब वहाँ पर सर खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। विशाखापट्टनम में तेलुगु है, तेलुगु भाषा हमको आता नहीं है, तो हम जाए तो जाए, क्या करे तो करे क्या, हमको मजबूर पैसा करके गाँव जाना पड़ रहा है। कितने दिनों से फंसे हुए थे आप वहाँ? हम पहले फंसे हुए नहीं थे, काम कर रहे थे वहाँ पे, जब से ये कंपनी वाला ने बोला भाई हमारे पास 90 दिन का नोटिस आया, तो 90 दिन का नोटिस आया तो हम वहाँ क्या करेंगे 90 दिन तक, नहीं हमको पैसा मिलेगा, नहीं कुछ 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 भी नहीं मिलेगा, तो हम करेंगे कि हमारी जेब से कितना दिन लगाएंगे। जैसे आपको मालूम है कोरोना वायरस फैला हुआ है, महामारी फैली है, आप लोग का चेक हुआ कहीं? नहीं, हमारा चेक नहीं हुआ है। हम जो भारतीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया था निर्णय, हम उसके आधार से हम वहीं पर रुके थे, लेकिन जब हमारा ऐसे प्रॉब्लम हो गया, ऐसे हो गया, तो हम क्या करें सर, हमको मजबूरन करके ऐसा जाना पड़ता है। बाकी हम कोई वहाँ से आना नहीं चाहते, हम इतना दूर क्यों जाएंगे सर, इतना रिक्स उठा के। तो अभी खाने पीने के लिए पैसा है कि नहीं है, कैसे करके करोगे व्यवस्था? खाने पीने के लिए सर है, ऐसा 4-5 हज़ार रुपया है, वैसे एडजस्ट करके जाएंगे सर। अब वहाँ पर ज़्यादा दिन, 90 दिन तक, तो वहाँ पर कहाँ से क्या रुक सकते हैं सर। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मजदूर लोग उड़ीसा बॉर्डर में फंसे, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? जी हाँ, बाहर के जो लेबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, पता चलता है कि राजस्थान के हैं या बिहार के हैं, उन लेबरों के लिए हम लोग रहने के लिए अलग से व्यवस्था किए हैं, उनके खाने पाने के लिए पूरे इंतजाम किया गया है, उनको किसी प्रकार के कोई परेशानी होने नहीं देंगे सर। अभी फिलहाल में कितने मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं? अभी फिलहाल अभी जो है 17-18 लेबर्स हैं यहाँ, उनके मैं व्यवस्था किया हूँ खाने का।